आज यमुना संसद की तरफ से यहाँ पर यमुना के लिए कहीं ना कहीं साफ सफाई का एक आगाज किया गया है, और इस आगाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम साफ सुथर रखना हम भी अपने मनुष्य के जीवन के लिए और मानव के लिए बहुत ही परम आवश्यकता है। बिना जल से हम जी नहीं पाएंगे। जल और जीवन समूलित है। केवल यमुना नहीं परंतु ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपका इंडस, आपके कर्णाली, सभी जो नदियां जो है सबको संरक्षण और सुरक्षा और स्वच्छ होना चाहिए। और यमुनों का तो विशेष करके इतना लंबा धार है जो यमुना है उसको संरक्षण करना चाहिए। बिना जल से, बिना एक बूंद पानी से कोई जी नहीं पाएंगे। इसलिए आज के जो कार्यक्रम में हमारे तिब्बती दिल्ली में जिंदा रह रहे हैं उनके सभी प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं, और परम पूज्य दलाई लामा जी का विशेषकर हमेशा लोगों को अनुरोध करता है कि साफ सुधार और पर्यावरण संरक्षण और विशेष करके जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए जल का संरक्षण करना और जल भी शुद्ध जल होना चाहिए ताकि स्वस्थ हो। जैसा कि हमने अभी सर से बात की और यहाँ पर विभिन्न पंथों के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो अलग अलग लोगों में कहीं ना कहीं यमुना के बारे में जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इधर अखिल भारतीय गायत्री परिवार भी नारों के द्वारा सशक्तिकरण की गूंज कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है।